अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल शाह। आप देख रहे हैं शेफ 21 ऑन K21 न्यूज़। आप सबको मेरी जानिब से, हमारी पूरी ग्रेट टीम की जानिब से 23 मार्च बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और दोस्तों, यकीनन हमने हमेशा बात किया था ना, माजी की बात करते हैं, हाल की बात करते हैं, हम तो मुस्तकबिल की बात करते हैं, हम तो वीरानों में भी गुल की बात करते हैं। अगर तुम मस्बत है तो छू कर गुजर, एक और दिया जला कर गुजर। और साथ ही दोस्तों, आज 23 मार्च वन मोर टाइम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं अकेला नहीं हूँ, आज हम बहुत ज़्यादा खुश, डेफिनेटली फीलिंग सो ग्रेट कि आज हमारी मेहमान एक ग्रेट पर्सनैलिटी जिन्होंने यकीनन पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। और अगर बात की जाए, आई थिंक बहुत कम खवातीनों में, औरतों में जिन्होंने बहुत नाम किया पाकिस्तान के लिए, आई थिंक जिनमें एयरपोर्ट से मैडम नूरजहां, फातिमा जुलिया बजिया। अब सियासत की बात की जाए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। लेकिन स्पोर्ट्स की दुनिया में पाकिस्तान की फर्स्ट वुमेन गोल्ड मेडलिस्ट नसीम हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है नसीम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपकी शो पर। थैंक यू सो मच, और खुश आमदीद कहते हैं नसीम आपको। और अच्छी बात है, फीलिंग ग्रेट कि आप टाइम दिया अपना। बिल्कुल नहीं, मैं काफी टाइम से सोच रही थी और एक्सक्यूज भी कर रही थी आपसे, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। टाइम नहीं मिल रहा था। सही 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 सही। अच्छा दोस्तों, अगर बिल्कुल आप भी अगर बात करना चाहें नसीम से, कोई सवाल करना चाहें, जरूर कॉल कर सकते हैं। आज के दिन के हवाले से कोई, आज हमने कोई खास सवाल नहीं रखा क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल्स होती हैं, हम ले नहीं पाते बाकी का, ठीक है ना। लेकिन आज नसीम से बात करना चाहें, आज के दिन के हवाले से कुछ कहना चाहें, तो जरूर आप कॉल कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन का सिलसिला जारी। नसीम, आज हम बना रहे हैं दोस्तों जर्दा। तो पसंद है मैडम आपको जर्दा या इस तरह के खाने? आपने कहा मीठे कम पसंद है। मीठा कम पसंद है। कुकिंग में इंटरेस्ट है आपको? बहुत कम। लेकिन एक आध डिश जो आप अच्छी बना लेती हो? मेरे ख्याल से जो मैं अच्छी बनाती भी थी ना, वो भी अब भूल गई हूँ। वो भी भूल गई। अच्छा, वो भी भूल गई। अच्छा, 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 अच्छा। खाने में क्या पसंद है ये बता दें। खाने में बिरयानी, शामी कबाब। बिरयानी, शामी कबाब, शामी कबाब। और हमने सीख कबाब। सीख कबाब, क्या बात है दोस्तों। और अज्जा देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। बिरयानी के लिए हमने बहुत खास आरियोब राइस, ठीक है, जिसमें चार तरह की वैरायटी है, ठीक है, जिसमें आरियोब जरनिगार आज हमने लिया है, जिसे हमने बॉयल कर लिया है, ठीक है, जरा सा जर्दे का रंग शामिल करने के बाद। चीनी मौजूद है, गुलाब जामुन के बहुत आला अज्जा है नसीम, जिसमें कलरफुल लग रहा है मुझे। जी कलरफुल लग रहा है, बहुत कलरफुल। बिल्कुल जर्दे के लिए दोस्तों गुलाब जामुन है, अशरफिया है, खोया है, घी मौजूद है, और कोकोनट, बादाम, पिस्ते, सब्ज, इलायची। की रेसिपी को आगाज करते हैं नसीम। हमारे यहाँ औरतों का ये समझा जाता है, माइंड होता है कि सिर्फ घर के काम करना है या बस ससुराल जाकर खिदमत करनी है हस्बैंड की है, और यही कहा जाता है कि आपने यही करना है, बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है। मेरे ख्याल से ये चीजें जो है ना पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ, ये चीजें पार्ट ऑफ लाइफ, ये लड़कियां और खवातीन जो है ना उनके लिए, क्योंकि अगर ये हुनर ना होने तो मेरे ख्याल से कुछ कमी रह जाती। वो बातें सब दुरुस्त है नसीम, लेकिन किस चीज ने आपको इतना मोटिवेट किया कि माशाल्लाह आपने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया? एक तो जाना मुश्किल है, जाकर वहां पहुंचना इतना मुश्किल, तो वो तमाम ग्रेट औरतें जो देख रही हैं पाकिस्तान में, दुनिया भर में, उनसे क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए मैं ये सिर्फ इतनी सी बात बोलती हूँ हमेशा कि टैलेंट किसी ना किसी इंसान में कुछ ना कुछ अल्लाह ताला ने खास सलाहियत दी होती है जी। और जो मेरे लिहाज से अगर बात करें तो शायद मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, गॉड गिफ्टेड था ये एक हुनर मेरे अंदर, जो जिसको मैंने यूटिलाइज किया। और खुशकिस्मती इसलिए भी है ज़्यादा क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट, टीचर्स का सपोर्ट, और दूसरा जो आपके एट गेट के माहौल में जो आपके फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत सपोर्टेड हो, तो फिर जितनी भी मुश्किल हो ना तो निकल जाता है इंसान। क्या बात है, जितनी भी मुश्किल हो निकल जाता है। अच्छा नसीम, आपने गोल्ड मेडल हासिल किया माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, और यकीनन बहुत अच्छी बात है। और यकीनन ना सिर्फ पाकिस्तान की औरतें बल्कि और भी कंट्रीज के थे, कितने कंट्रीज के लोग थे उस दौरान? 8 से 10 कंट्रीज होती है मैं साउथ एशियन में, क्योंकि पहले ही होता था कि हम सिर्फ 8 कंट्रीज होती हैं, लेकिन उसके बाद हमने ओपन देखा है कि 2-4 और भी ममालिक आते हैं, तो लेकिन फाइनलिस्ट जो थे हमारे वो 8 कंट्रीज थी। अच्छा, यानी कि सबको आउट करने के बाद 8 मुल्क बचे थे, और 8 मुल्कों के बाद पाकिस्तान के लिए आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। कॉलर है नसीम, अगर आपकी इजाजत हो तो कॉल ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, 23 मार्च बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको आवाज आ रही है कॉलर की नसीम? नहीं। अच्छा इनको नहीं आएगी। अच्छा जी जी बताइए, कैसी मैडम आप, क्या कहेंगे? हेलो जी जी, क्या नाम है आपका प्यारा साहब? सुमायला, सुमायला बात कर रही हूँ कराची से। सुमायला कैसी हैं आप, क्या कहेंगी आप? मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगी, बहुत बहुत
फेस मास्क की। खैर मुबारक, और हमारी ग्रेट नसीम हमीद से कोई सवाल है आपका? नहीं नहीं कोई सवाल नहीं है, ये बहुत अच्छी मेहमान खूबसूरत सी बुलवाई है। खूबसूरत सी मेहमान कहनी बुलाई जी बिल्कुल, और खूबसूरत होने के साथ आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं आज। ओहो थैंक यू सो मच। ड्रेस चेंज हो गया आपका? हाँ चेंज होना चाहिए ना, क्या ख्याल है आपका? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं आप। जी 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 शुमैला थैंक यू सो मच, खुश रहे, मैंने अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों शुमैला मौजूद है, इन्होंने आपकी तारीफ की। अच्छा दोस्तों मेरे ड्रेस की भी तारीफ की, तो आपको बताऊँ ये ड्रेस स्पॉन्सर किया है, एज जेंट्स की जानिब से, ठीक है, एज जेंट्स, और एज जेंट्स बाय आसिफ हारून, एज जेंट्स बाय आसिफ हारून, ब्यूटीफुल ड्रेस और सब्जी लाली। और अच्छा आपका ड्रेस बहुत अच्छा है नसीम, ये आपने भी हमारी तरह किसी और डिजाइनर का ही आपका अपना ड्रेस है? बिल्कुल डिजाइनर की है ये भी ड्रेस, और जाहिर सी बात है जब कहीं जाना होता है तो फिर एक स्पेशल आपको चाहिए होता है कि ड्रेस खासतौर पे आपकी शख्सियत पे बहुत दिखा लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, कॉलर ने भी आपकी बहुत तारीफ की। अच्छा अगर बात की जाए नसीम, अच्छा रेसिपी के आगाज करता है, क्या ख्याल? कहते हैं कि खवातीन चाहे स्पोर्ट्स की दुनिया में हो या सियासत की दुनिया में, जो चाहे कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं कुकिंग से अटैचमेंट होती है। हाँ बिल्कुल, चाय बहुत अच्छी बनाती है। अच्छी बनाती कुकिंग, और मतलब घर में जो नॉर्मली चीजें बनती है ना, यानी कि स्पेशल अभी यार बहुत इंटरेस्ट होता था, लेकिन अभी वो चीजें नहीं है, लेकिन देखती जरूर हूँ अगर मदर बना रही होती है किचन में। मेरी सिस्टर बहुत अच्छी कुकिंग करती है। क्या बात है नसीम आपकी। अच्छा दोस्तों इसमें हम जर्दे का प्रोसेस का आगाज करते हैं, घी शामिल करते हैं, ठीक है, और लगभग हाफ कप, हमने देखा नसीम स्पोर्ट्स पर्सन है तो हमने कम घी शामिल किया आज। ठीक है मैडम बिल्कुल बिल्कुल मैंने। अच्छा फिर डाइट की भी बात करें, मुझसे औरतें पूछती हैं आज, ये ज्यादा बेहतर बताएंगी आपको। सब्जी इलायची शामिल करें। अच्छा कॉलर है और उनकी आवाज जाएगी नसीम तक। अच्छा नहीं अच्छा, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी ग्रेट, आप बताइए कौन बात कर रही हैं आप? मैं रुबीना बोल रही हूँ कराची से, आपकी रेगुलर कॉलर। जी रुबीना कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, और आप सबको पूरी टीम को आपकी यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और हमारी ग्रेट मेहमान नसीम हमीद से बात क्या कहना, कुछ कहना चाहेंगे? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, खुशी हो रही है। जब बस इवेंट के बाद से आज देखा मैंने, मुझे तो बहुत शौक था इनको। अच्छा उस इवेंट के बाद आज अच्छा इनको आवाज मेरी जा नहीं रही, लेकिन आप मुझे कहें उनको कह दो। अच्छा उस इवेंट के बाद जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया उसके बाद आज देखा अच्छा मैंने इनको, दोबारा किसी इवेंट में क्यों नहीं? अच्छा अच्छा पूछते हैं रुबीना जी 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 बिल्कुल मैं तो चाहती हूँ अच्छा नाम करेंगे हम इलाकों का हमारे। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहे शादाबाद। उन्होंने कहा कि गोल्ड मेडल जीतने के बाद नसीम को बाहर लॉन्ग अरसे बाद देखे, लेकिन आपको बताए नसीम एक बोल टीवी पे कह सकते हैं, उनकी शोज करती है माशाल्लाह। और वैसे नसीम सवाल है वो रुबीना भी पूछ रही है कि आपने इतना नाम किया, वी थॉट कि आपके बाद और बहुत सी औरतें आएंगी, लेकिन इतना ज्यादा नजर नहीं है इस लेवल पे, क्या वजह है इसकी? ये मेरी बात करें कि मैं नजर नहीं है? नहीं आप सब भी कह रहे हैं, लेकिन जनरली मेरी बात यानी कि दूसरे टैलेंट की बात कर रहे हैं। अगर देखिए ट्रेनिंग और प्रैक्टिस ये जितनी भी चीजें चल रही है तो सभी कर रहे होते हैं, तो अब ये मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं है, क्योंकि उसी तरह से कैंप्स लगे हुए हैं, ट्रेनिंग हो रहे हैं, सब कुछ इवेंट्स हैं। अब ये तो वो नए बता सकते हैं बच्चे या लड़कियां जो अब प्रैक्टिस कर रही हैं कि वो क्यों नहीं आ रही, लेकिन प्रैक्टिस हो रही है बाकायदा और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं हम लोग। अच्छा आप कितनी प्रैक्टिस किया करते हैं? हाँ टू टाइम्स, और उसमें ये होता था कि उसपे तकरीबन 2-3 घंटे। अच्छा सुबह दोपहर शाम, यानी कि ट्रेनिंग पे डिपेंड करता था, अगर हम सुबह में कुछ जिम कर रहे हैं, शाम में हम थोड़ा सा रिलैक्स रखते थे, कभी स्पीड वर्क कर रहे हैं तो कभी एंड्योरेंस वर्क कर रहे हैं, तो ये चीज़ ऐसी होती है कि हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही हमें फल मिलेगा। तो मेरे ख्याल से बाकी जो हमारा टैलेंट है वो भी आपको इंशाल्लाह जरूर नजर आएगा, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह। कहते हैं ना उम्मीद नहीं इकबाल अपने किश्ती वीरा से, जरा नम हो तो मट्टी बहुत जरखेज है। यकीनन दोस्तों सब इलायची की खुशबू बहुत आला आ रही है, बिल्कुल बहुत जबरदस्त। अच्छा उसके बाद दोस्तों चावल भी मौजूद है, चीनी भी है, तो हम जरा सा इलायची को जरा सा कुरकुराते हैं दोस्तों घी के अंदर,
और कुकिंग अम्मी करती हैं आपकी? बिल्कुल, अम्मी और छोटी बहन। अम्मी और छोटी बहन, ठीक है जी, ठीक है जी। और दोस्तों नसीब अम्मी सब सवाल पूछ सकते हैं, और बाकी हम सोच रहे आज कोई सवाल नहीं रखा स्पेशल, लेकिन आज के दिन के हवाले से बात करना चाहते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुतासर था इनसे और मेरी ख्वाहिश थी इनके साथ शो किया जाए, ठीक है ना। और यकीन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत से सवाल भी इनसे पूछते हैं नसीम से। अच्छा दोस्तों, राइस बॉयल ने अरियोब राइस लिया है, जिसमें हमने अरियोब राइस के लेकिन चावल एक एक दाना लेता लेता, ठीक है। और सैला राइस थे, इसमें हल्का सा जर्दे का रंग शामिल करने के बाद बॉयल कर लिया था। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस राइस को हमने हमारे सब्ज इलायची में शामिल किया और करते हैं जरा सा मिक्स, प्रोसेस जारी है, ठीक है। जरा से आपने मिक्स करना है, घी सब्ज इलायची उसके बाद राइस शामिल किए, ठीक है दोस्तों, और इसका अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा नसीम, बिल्कुल बात की, वैसे एक बात अगर ऐसा, क्योंकि मैं आपको अपना ही बताऊं कि जिंदगी में कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं लेकिन बाज़ औक़ात हासिल ना हो पाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या मायूस होते हैं, तो आपने भी एक ना सफर इतना आसान तो नहीं होगा, तो क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती थी कि यू मेक इट हैपन? जो आप अच्छा एक चीज़ होती है कि एक टाइम आता है ना कि इंसान बिल्कुल सोचता है कि शायद आप ये चीज़ हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात है, उस पर सबको यकीन है, एज ए मुस्लिम हम करते हैं, और मेरा भी बिलीव था कि अगर आप नहीं आगे बढ़ रहे तो शायद आपके लिए आगे कुछ बेहतर है। तो क्या करना चाहिए, क्या काम वो छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, मेरे ख्याल से दिल नहीं छोड़ना चाहिए या अपनी एफर्ट नहीं छोड़ना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप देखते हैं ना कि कभी ना कभी आपको मेहनत का सिला जरूर मिलता है, तो ये कि लेकिन हर चीज़ का राइट टाइम होता है, अगर जब आपके नसीब में आपकी किस्मत में अल्लाह ताला ने वो टाइम लिखा है तो वो जरूर आएगा, लेकिन कभी भी अपनी मेहनत नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी मेहनत कम ना करें दोस्तों, नसीम हमीद का कहना है। और साथ ही वक्त में ब्रेक ब्रेक ले लें, मैं बिल्कुल बिल्कुल जरूर। दोस्तों जर्दा हो रहा है तैयार, और आज इस शो में बहुत कुछ होना है। फर्स्ट वुमेन गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ पाकिस्तान नसीम हमीद हमारे साथ मौजूद है, आपसे डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा वक्त में छोटे से ब्रेक का। 23 मार्च का स्पेशल खास शो देख रहे हैं K21 न्यूज़, दूर रहकर बिल बजाना कहना यादों में ना लिस्ट के ब्रेक, ब्रेक के बाद में इसे कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर शो वन मोर टाइम, खुशामदीद कहते हैं आप देख रहे हैं शेफ 21, मुझे यकीनन कहते हैं शेफ इकबाल। 23 मार्च का बहुत खास शो, और ग्रेट नसीम हमीद जी हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, इनसे आप बात करना चाहें बात कर सकते हैं, कोई आप फरमाइश करना चाहें कुछ कहना चाहें, और जर्दा बना रहे हैं। खाने की फरमाइश ना कर दे, बनाने की, मुझे बनाना नहीं आता, जितने अच्छे तरीके से एक बाल बना सकते हैं शायद बेना नहीं, लेकिन नसीम आई मैं सीख लूंगी, आपसे एडवाइस लेते जाऊंगी फिर उसके साथ बनाते जाऊंगी। मोस्ट वेलकम नसीम, और आई थिंक के खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, अच्छी है ना? बिल्कुल बहुत जबरदस्त जी, बिल्कुल दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं नसीम तारीफ करेंगे, इसमें बहुत खास होगा। और इसमें हम क्या चीनी ऐड करते हैं, मीठा कम पसंद है ज्यादा? मीठा कम पसंद, कम पसंद। हाँ। वैसे आप दोस्तों जब आप बनाएंगे तो सबको कम खाना चाहिए, क्योंकि आज कल तो जो जिस तरह की एनवायरनमेंट चल रहा है, मेरे ख्याल से डॉक्टर भी यही एडवाइस करते होंगे कि मीठा कम खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें और एक्सरसाइज वगैरह करें, यानी कि जरूरी है ना फिटनेस, तो फिटनेस जरूरी है। अच्छा इसको नमक और चीनी को व्हाइट पॉइजन भी कहा जाता है, लेकिन हर इंसान की बॉडी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, कोई भी डॉक्टर हर एक को नसीम एक मेन्यू सजेस्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। और बच्चों के लिए जैकिन अच्छा भी है, कार्बोहाइड्रेट अच्छा, इसके अलावा नसीम
बहुत सी औरतें मुझसे कंटिन्यूअसली पूछती हैं कि किस तरह अपना वजन कम कर सकें, वेट लूज, लेकिन आप इतना फिटनेस का, यू आर लुकिंग ग्रेट माशाल्लाह, अपने आप को इतना फिट रखा है, लुकिंग ब्यूटीफुल, तो एनी एडवाइस देना चाहें, एक्सरसाइज या फिर कुछ डाइट, ये क्या कहेंगे आप? देखिए, मर्द हजरात से भी ना, सब नहीं, नहीं सबसे औरतें कहती हैं हमारे हस्बैंड मोटे हो रहे हैं। देखिए, ये पहली बात ही होती है कि अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है जी, चाहे सुबह, दोपहर, शाम, किसी टाइम में भी आपको मिले थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें। मानते हैं बहुत बिजी लाइफ है, लेकिन फिटनेस बहुत ज़रूरी है, खाने पीने में एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्या खा रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं, आपको नहीं पता। एक रूटीन बना लें, और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप फिर पूरे दिन एक्टिव रहेंगे। एब्सोल्युटली। और दोस्तों, सरप्राइज है नसीम के लिए, इनकी दोस्त नादिया मौजूद है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो जी नादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। आप सुनाए, कैसे हैं? जी ग्रेट, परफेक्ट। और कैसा लग रहा है कि नसीम अमीन के साथ मौजूद है, उनके लिए कॉल की? मेरे लिए नहीं की, एक रन साहब कॉल। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। हाय नसीम। अच्छा अच्छा, इकबाल बता देंगे मुझे, कुछ बोलो। जी जी बोलिए। जी अच्छा नादिया, नादिया आप जो कहना चाहते हैं कहिए, और हम मैसेज दे देते हैं नसीम। हेलो नसीम, बहुत प्यारी लग रही है आप, और अच्छे इंसानों को हमेशा दूसरे लोग अच्छे लगते हैं। उसके बावजूद नसीम के अंदर बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, बेशक बिल्कुल भी, और बिल्कुल भी हमारे साथ बिल्कुल बिल्कुल फैमिली भी, और जी जी माशाल्लाह, इनकी नवाजी से एक तो टाइम नहीं दे रही थी, मुश्किल से टाइम मिला इनका, नसीब अमीन का, नादिया जी बिल्कुल, मैं तो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और अभी इनके पास टाइम नहीं होता, इनके फ्रेंड्स इतने हैं माशाल्लाह से, तो हम खुद फैंस इनकी फैंस बन चुके हैं। नादिया एक हमारी बहुत बड़ी आर्टिस्ट है पाकिस्तान की, मैंने कहा उनको मैं बुलाऊंगा तो कैसे मैं बात करूं, कह रही है कि मैं मैनेज कर लूंगी, मतलब ये जो लोग गुस्से वाले हैं तो उनको भी ठंडा कर लेती हैं, ये पता नहीं कैसे करती है। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन आपका मैसेज पहुँच चुका नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहे, शाद आबाद रहे, तारीफ करी, कह रही थैंक यू नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, कह रही है की इतने माशाल्लाह अल्लाह ने इनको इतना टैलेंट दिया, इतनी कामयाबी दी, हर टीवी चैनल पे आती है माशाल्लाह, लेकिन आज भी आपके अंदर मतलब आपका रवैया एटीट्यूड नहीं बदला, वरना लोग बहुत ज्यादा बदल जाते हैं, क्या वजह है इसकी नसीब? देखिए, जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं इकबाल, वो ऐसे ही रहते हैं मेरे ख्याल से, और अगर कुछ चीज़ मिलती है तो उसको संभालना भी चाहिए, अगर आपको इज्जत मिली है, अगर आपको शोहरत मिली है कहीं पे भी, तो आपको मेरे ख्याल से ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए अपने रब का, तो वही चीजें करते हैं। क्या बात है, बिल्कुल दोस्तों, ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त का नसीम ने, और साथ ही जर्दा हो रहा है तैयार, और मुझे लग रहा है ये बहुत मजे का बनने वाला है जिस तरह से हम देख रहे हैं, बाकी मजे का, और इसका परफेक्ट मीठा होगा इंशाल्लाह, काफी आला होगा तैयार, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह आप मेहनत कर रहे हो ना, मेहनत, हाँ, मुझे आपसे क्लासेस लेनी पड़ेंगी मुझे लगता है। नहीं नसीम, आई थिंक जो आपने काम करी लेट्स ग्रेट, लेकिन अच्छी बात ये है कि आई स्ट्रॉन्गली बिलीव, देखिए नसीम, हर इंसान को अल्लाह ने अलग बनाया, ठीक है, हर इंसान को, तो जरूरी नहीं कि हर औरत ही खाना बनाए, मुझे कभी कभी रियलाइज होता है जब मैं कभी फैमिली में या समटाइम मेरे घर वाले नहीं होते और वो मुझे कहते क्या करोगे तुम, अगर चाय बनाऊंगी बिस्किट के साथ तो मेरे ख्याल से ये चीजें बहुत जरूरी हैं, नसीम हमीद हो या कोई भी हो दुनिया की खवातीन में से, कोई भी लड़की हो, उसको खाना पकाना बहुत जरूरी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पेट भरा हुआ है ना, जब
भूख आपकी खत्म हुई है तो आप सारे काम कर सकते हो, अगर आप भूखे मरे होगे तो कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। तो पहले बोले क्या एक वर्ड होता है ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो उसके लिए फिर सीखना भी पड़ेगा। इकबाल है यहाँ पर। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच नसीमी, आपकी ग्रेटनेस है, मूड्स है। अच्छा दोस्तों, ये राइस हमने यूज किया बिल्कुल आर्योब राइस के जरनिगार, ठीक है। इसमें चार क्वालिटी है, एक तो आर्योब खास है, ठीक है, और आर्योब खास उसको आपने क्या करना है कि पानी के अंदर सोक करने की जरूरत नहीं है बल्कि, ठीक है ना। और एक्सट्रीम राइस है जी नसीम, इसके अलावा आज हमने ये सेला राइस लिया है, ठीक है, जरनिगार, जिसकी एक एक दाना अलहदा अलहदा, प्रोसेस बिल्कुल जारी है। और मुझे शिकायत भी आपसे कि बहुत से लोग जर्दे को क्या करते, चीनी के अंदर मिक्स किया, इस तरह बनाते हैं, जरा दम पर जरूर रखिए, इससे बहुत आला फ्लेवर बनता है। और अगर टाइम हुआ तो आपके लिए एक नमकीन डिश भी बनाएंगे, क्योंकि आपने कहा कि आपको मीठा इतना ज्यादा आजादी। अच्छा दोस्तों, बादाम करें जो, बल्कि इसमें कोकोनट भी एड करते हैं। अच्छा दोस्तों ठीक है, लगभग 2 से 3 खाने के चमचे आपने कोकोनट भी शामिल किया, ठीक है। अच्छा नसीम, इसके अलावा आपसे बात दूंगा, सिलसिला बिल्कुल जारी है। अब क्या चल रहा है टेलीविजन पे तो आपको देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, एक पाकिस्तान के बहुत खास चैनल पे आप रेगुलर नजर आ रही होती, बिल्कुल नजर आ रही होते हैं। उसके अलावा ये कि वो एक अलग एक्सपीरियंस, वो अलग बात है। हाँ। सियासत की दुनिया में आप जो पॉलिटिकल शो इतने, वो उसमें ये हुआ कि पहले तो ग्रिप करना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से ये चैनल किया जाए, पहले प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद हिम्मत करके शो स्टार्ट हो गया। हाँ। और फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया है। और क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, अगर हम बात कर सकते हैं पाकिस्तान की बात करें तो स्पोर्ट्स, जैसे आपका शो है खाने पकाने का, लाइक पॉलिटिक्स, तो उसमें भी बड़े मिर्च मसाले होते हैं। मिर्च मसाले बिल्कुल। अच्छा मिर्च मसाले दोस्तों घर की लाइफ में भी बहुत होते हैं। अच्छा हमारी एक बहुत अच्छी ग्रेट आर्टिस्ट है ज़ेबा शहनाज़ जी, उनके साथ हमने एक शो किया कैपिटल टीवी पे, वो बहुत तारीफ करी थी आपकी, वो बहुत अच्छी हैं, वो खुद बहुत अच्छी हैं, और मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान को उनसे प्यार होगा। हाँ, देखते हैं। हाँ, तो बिल्कुल, और उनका भी एक 50-50 से आगाज किया, फिर इतना लंबा सफर तय करना। और नर्सिंग की बात आपकी दुरुस्त है वैसे, कि जिस तरह आपने कहा कि कामयाबी हासिल करने के बाद सस्टेन करना भी, और जिस तरह आपने कहा नेक्स्ट क्या टारगेट है, कुछ और अकेडमी आपकी चला रही है? बिल्कुल, और अभी हमारा एक लड़कियों का फुटबॉल टूर्नामेंट भी चल रहा है, और उस पर ये कि इलेक्ट्रिक ने स्पॉन्सर किया हुआ है हमें, और वो गर्ल्स का है टोटली। 26 मार्च हम फाइनल कर रहे हैं कस्टम ग्राउंड में, तो ये टारगेट्स हैं कि अगर अच्छा। आप आपने कुछ कर लिया है तो आप डिलीवर क्या कर रहे हो? डिलीवर करें बिल्कुल। तो अब वो बच्चियां हैं जो कभी खेल नहीं सकती थी, उसके अलावा मेरी टीम चाइना गई थी, जो बच्चियां गली मोहल्ले में खेलती हैं या शौक था, हम उनको लेके गए चाइना आज़ाद फाउंडेशन के साथ हमने काम किया, और गर्ल्स एंड बॉयज़ टीम हमारी गई, और माशाल्लाह 27-28 टीम चाइनीज लड़कियां कैसी दौड़ने में भागने में तेज है वो भी। देखिए हर मुल्क का अपना अपना है, है। पाकिस्तान की जितनी बच्चियां हैं माशाल्लाह वो की हाइट जरा कद छोटी होती है ना, तो टांगे भी छोटी होती हैं, तो भागने में भाई वो। अच्छा सीरियसली सवाल है, मैं बचपन से सोचा फुटबॉल मैंने बहुत देखा, तो मैंने देखा कुछ प्लेयर्स जिनकी हाइट कम भी होती तेज भागते हैं, तो ये सिर्फ टेक्निकली क्या मतलब जो इसका मैं बता दूं, जो स्प्रिंटर्स होते हैं ना उसमें हाइट वाला भी भाग लेता है, लेकिन जो शॉर्ट हाइट वाला तो शॉर्ट हाइट होना जिसकी, तो उसमें होता है उसमें क्विकनेस होना चाहिए ज्यादा, अगर जिसकी हाइट ज्यादा लंबी है तो उसको उठने में टाइम लग जाता है बेचारे को। अच्छा। सेट होने में है? वो लॉन्ग डिस्टेंस बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा। जैसे 800, 1500, 5000 लाइक इस तरह से कर सकता है, लेकिन स्प्रिंटर्स जो होते हैं ना उनके लिए बहुत टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि 100 मीटर कर लिया, 60 मीटर कर लिया, तो उठने से पहले रेस खत्म हो जाएगी, तो फिर कहाँ संभलेगा इंसान। सही सही सही। अच्छा आपकी टीम गई चाइना से जीत कर आई या फिर हार गई? गर्ल्स फर्स्ट टाइम गए थे तो फोर्थ पोजीशन पर हैं, फोर्थ पोजीशन पर, और अब वही बच्चियां जो हैं इसी फुटबॉल लीग का हिस्सा है। वाह जी वाह, क्या बात है। और आई थिंक कि आप जरूर आई वुड लाइक कि हमारे ऑडियंस तो नहीं लेकिन तमाम ग्रेट औरतें आई थिंक सपोर्ट करना चाहिए हमारी, इतना काम किया और इनकी अच्छी बात है कि आई थिंक कि ये रिटर्न कर रही है और लोगों के लिए काम कर रही है, आई थिंक दैट्स ग्रेट। आई हैवंट अ वर्ड्स टू डिस्क्राइब हाउ ग्रेट वर्क शी इज डूइंग। दोस्तों वक्त पर छोटे से ब्रेक का नसीम, लास्ट ब्रेक के बाद ज़रदा डेफिनेटली फाइनलाइज करेंगे और एक आला केक भी पेश करेंगे। नसीम से डिस्कशन का सिलसिला जारी है, लेट्स टेक अ ब्रेक। आप ब्रेक लीजिए नसीम जी। नाज़रीन ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ओहो Thank you.
जी दोस्तों वेलकम बैक टू शो इख्तितामी लम्हा के हम दाखिल हो जा रहे हैं एंड हर चीज का होता है और जर्दा हो रहा है तैयार और साथ ही हमारी ग्रेट मेहमान नसीम हमीद से डिस्कशन का सिलसिला जारी है। हम सोच रही आज आपकी ज्यादा कॉल ना ले पाए बट हमें अंदाजा हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं प्यार करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का प्यार का और इसी तरह साथ रहा तो इंशाल्लाह बहुत कुछ करेंगे आपके लिए। नसीम से डिस्कशन का जारी है और नसीम बहुत सी हमारी एक मिसबा दिख रही है आपको यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल बहुत तारीफ की आपके ड्रेस की और सब कुछ थैंक यू मिसबा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों जर्दे को फाइनलाइज करते हैं वक्त कम है जादू कैसे आपके अंदर आया। मेरे ख्याल से जब घर में अगर माँ के हाथ की चीजें बनी हो और एक जो चीजें पसंद हो तो उसकी स्मेल आपको आ जाती है उसकी फ्रेगनेंस आप जो खाते हैं ना आपको पता चल जाता है। और मेरा ये है कि मैं जब घर में दाखिल होती हूँ और दाखिल होते मुझे पता चल जाता है कि अम्मी ने आज क्या बनाया क्या बनाया है। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा नसीम और दोस्तों खोया भी शामिल कर रहे हैं। और वैसे एक बात बताऊं दोस्तों इससे शो से पहले भी डिस्कशन हुई थी मैं बहुत मुतासर हुआ इनकी बातें बहुत ही आई वुड से के बहुत मतलब तजुर्बात की बात है। अच्छा नसीम ये बात जरूर कहना चाहूंगा सबसे पहले दोस्तों ने खोया शामिल किया कुछ अशरफिया कुछ गुलाब जामुन हमारे यहाँ क्या वजह है कि उन एरियाज में या अगर जो जो एनजीओ काम कर रही हैं वो लोग जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है ना हुनर फैलाने के लिए इल्म फैलाने के लिए उन एरियाज में ज्यादा काम किया जाता है जहाँ जरूरत नहीं होती। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट आपको क्या लगता है क्या वजह है या क्या कहना चाहेंगे सवाल। देखिए एक तो एक बार सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे होते हैं कोई भी चीज होती है तो हम बातों की हद तक ना रखें दूसरी बात है क्योंकि इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है और जो नीडी एरियाज हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन मेरे ख्याल से समटाइम ऐसी चीजें कर लेते होंगे बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है शायद उनको बहुत ज्यादा जरूरत हो। तालीम की बात करें हम अपने माशरे में शऊर की बात करें तो मेरे ख्याल से सब बहुत और आज जो 23 मार्च हम मना रहे हैं सिर्फ हम कुछ लोग ऐसे होंगे या हम भी शामिल हैं उसमें यानी कि ऐसे जो डेज है जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं रिवायती हो गया ये तो हम इस पर कभी यानी कि प्रैक्टिकली कुछ चीज नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं सिर्फ हम बातों की हद तक ना रहे ये बहुत अच्छा पाकिस्तान है बहुत मेहनत से हासिल किया है इसको और संवारना है हमने। बिल्कुल नसीम दुरुस्त कहा आपने कहते ना दोस्तों की काम कर तो अमली कर आज मैं अपने एफएम शो करता हूं रेडियो की दुनिया में भी कह रहा था काम कर तो अमली कर बातों में क्या रखा है खिदमत कर तो पूरी कौम की कर जातों में क्या रखा है। नसीम की बात से एक दोस्तों लेकिन जर्दा भी हो चुका था यार चूल्हा करते हैं हमने अमल किया दोस्तों और किसी ने कहा माइयों वाला कलर देखिए माइयों मेहंदी शादियां और शादियों में भी आजकल मीठा लाजमी होता है। आप इस शादियों में सेलिब्रेट करते होंगे हमारे यहाँ जो टाइम बहुत कम मिलता है क्योंकि जितना टाइम मैंने स्पोर्ट्स किया तो शायद मैंने तब वो तमाम इवेंट्स जो है मिस कर दिए हमारे कहते हैं अब मौका मिलता है तो मैं जाती हूं। किसी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या चलता है तो किसी ने कहा कि शादियां चलती हैं तैयारियां औरतें कम करती हैं शादियों में ज्यादा ईद के बाद फौरन शादियों में जो आती है उसकी तैयारियां बहुत ज्यादा होती हैं और उसी में ज्यादा यानी कि ईद पर अगर कोई सूट बना ना बना लेकिन जो शादियां जो ईद के बाद शुरू होती हैं उसके लिए मेहंदी मायू जो तमाम चीजें होती हैं और सोचते हैं कि एक दूसरे से अच्छा लगने की सोच रहे होते हैं ना कि कॉम्पिटिशन हो जाता है। बिल्कुल लेकिन आई थिंक बिल्कुल दुरुस्त कहा नसीम आपने। अच्छा दोस्तों इसकी गार्निश में देखिए जर्दा है ना अगर परफेक्ट इसके अंदर खोए का जायका चीनी का जायका रखे दम अच्छा आना जरूरी है 25 मिनट तक हमने दम पर रखा तो पर खोया कितना क्या खोया क्या पाया क्या पाया लेकिन ये खोया है खाने वाला खोया अशरफिया रेड एंड ग्रीन। और अगर शादी के खानों में देखें तो शायद ये उस टाइम होता होगा क्या खोया क्या पाया नहीं वो बात तो फिर शादी में भी कोई खोता है तो कोई यकीनन पाता है कुछ हासिल करता है। बिल्कुल 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 दोस्तों ये देखिए आला हमारा जर्दा हो चुका है यानी कि अब इसको देख के दिल चाह रहा है कि बस अब आउट ऑफ कंट्रोल हाँ कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा दोस्तों तो आज डाइट। अच्छा नसीम डाइट पर तो वैसे मेन्यू कुछ की कहेंगे अब किस तरह का मेन्यू होना चाहिए या व्हाट जूसेस वगैरह यूज करते हैं पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरा जो खा रहे हैं वो आपके लिए आपकी सेहत के लिए बेहतर होना चाहिए फ्रूट खाएं बेशक या आप स्पाइसी खा रहे हैं क्योंकि
आजकल का जो माहौल चल रहा है ना, जिस तरह गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो इसमें उसके लिहाज से डाइट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा नसीम, ये बताएं, हमारा ब्यूटीफुल केक जो है दोस्तों, ये हमें देख रहे हैं हमारे ग्रेट कैमरा मैन दिखा रहे होंगे, सब्ज लाली परचम, न सिर्फ हमारे नसीम हमीद के ड्रेस से बल्कि मेरे ड्रेस से, बल्कि आपको इस केक के से भी आइडिया हो गया ये वाला। ठीक है दोस्तों, इससे भी अंदाजा हो रहा होगा कि इसमें पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दिख रहा है। दोस्तों केक स्पॉन्सर किया हमें लाल किला ने, थैंक यू लाल किला फॉर दिस ब्यूटीफुल केक। और साथ ही दोस्तों केक से खास ही हमने बहुत ही जर्दा खास तैयार किया, ये आरियो ब्राइस देख सकते हैं। ठीक है, आरियो ब्राइस हमने जरनिगार यूज किया, ठीक है, जिस जो जरनिगार येलो पैक में ये सेला राइस है। ठीक है, चाहे आप जर्दा बहुत अच्छा बना सकते हैं, और इसके अलावा अगर आजकल की बात की जाए तो बहुत से लोग जो अनारी होते हैं बिरयानी में भी यूज करते हैं, तो इसका टूटता नहीं है चावल और बहुत आला रेसिपी से बना सकते हैं। ठीक है, जरनेगार आप कुकिंग को और आसान कर देगा। नसीम, आपसे डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए इस यू सेट के, आप ट्रेंड कर रही हैं, आपकी टीम चाइना गई, और इसके अलावा मुश्किल नहीं होता गर्ल्स के लिए आज भी ग्राउंड कम है इस चीज के में बात करते हैं, ग्राउंड वाकई लड़के तो फिर भी कहीं ना कहीं बेचारे खेल लेते हैं, लड़के बेचारे खेल लेते हैं, लड़कियों के लिए पेरेंट्स को खुद एतमादी बहुत देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेरेंट्स अपनी बच्चियों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो उनको मौका देना चाहिए, उनको ग्राउंड्स में आने की इजाज़त देनी चाहिए, और अगर उनका सपोर्ट होगा तो जिस तरह आज मैं यहाँ खड़ी हूँ आपके साथ, तो मेरे ख्याल से इस तरह की बहुत ज्यादा नसीम हमीद पाकिस्तान के लिए नाम बना सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच वन मोर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपने टाइम दिया, और हमारे K21 News पे 23 मार्च वन मोर टाइम मुबारक हो। वन लाइन कुछ कहना चाहें? बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान को एक ही पैगाम दूंगी कि ये मुल्क बहुत कीमती है, इसको लूटने के बजाय इसको दे, यानी कि जो हमारी बाकी चीजें तो चलती रहती हैं वो अलग है, लेकिन जो खुद डिलीवर कर सकते हैं वो जरूर दें, क्योंकि क्या पता आप जो डिलीवर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान के काम आ जाए जो बहुत नीडी हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नसीम हमीद रहे दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद रहे, आप लोग भी साथ मौजूद रहे, पाकिस्तान दुनिया में जहां कहीं देख रहे हैं, वन मोर टाइम 23 मार्च, मेरी जानिब से हमारी पूरी ग्रेट टीम की जानिब से मुबारक हो बहुत बहुत, और देख रहे हैं कितना इन्होंने मेहनत की है। ठीक है, और केक भी हम बिल्कुल, अच्छा केक की कटिंग करनी, केक हम काट रहे हैं, अभी इसलिए लेते हैं इजाजत, खुश रहें, शादाबाद रहें, और उन्होंने देने की बात की तो नसीम ने, ठीक है, और हमारी ग्रेट मेहमान नसीम हम इससे केक की कटिंग करवाते हैं। लेकिन लास्ट में ये कहूंगा दोस्तों 23 मार्च के हवाले से, कितना कि उनका बांटने की सीखने के बाद इल्म दे रही है नसीम हमीद, तो कहेंगे कितना का बांट के खाओ, इस दुनिया में बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबकी जीत हो वो रास्ता अपनाओ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज है नसीम, प्लीज पाकिस्तान जिंदाबाद।